नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी पर गुरुवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ। राबड़ी देवी को लेकर जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा था कि उन्हें बजट का क्या ज्ञान है, राबड़ी देवी को इसकी क्या समझ है। इसे लेकर राजद एमएलसी सुनील सिंह ने सदन में कहा कि ललन सिंह ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान किया है। जो महिला राज्य की लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रही, अभी नेता प्रतिपक्ष है, उनके लिए ऐसी अपमानजनक टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजद सदस्यों ने कहा कि ललन सिंह कहते हैं कि राबड़ी देवी इतना लंबा हस्ताक्षर करती हैं, ये पूरी तरह से अपमान है। इसे लेकर राजद ने हंगामा शुरू किया तो सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार प्रतिकार किया गया। वहीं इस मुद्दे पर राबड़ी देवी ने भी ललन सिंह की जमकर क्लास ले ली। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के दिग्गज नेता ललन सिंह द्वारा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर टिप्पणी के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। जहां आरजेडी ललन सिंह से माफी की मांग कर रही है, वहीं अब खुद राबड़ी देवी ने ललन सिंह की प्रतिक्रिया पर पलटवार किया है। दरअसल बजट आने के बाद राबड़ी देवी के बयान पर ललन सिंह ने जवाब दिया था। राबड़ी देवी ने बजट को बेकार करार दिया था, जिस पर ललन सिंह ने कहा था कि अब राबड़ी देवी भी बजट पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। कभी उनका दस्तखत देखे हैं, कितना लंबा साइन करती हैं, बजट जैसी चीज उन्हें कहां से समझ आएगी। वहीं अब इस मामले पर खुद राबड़ी देवी ने मोर्चा खोल दिया है। राबड़ी देवी ने काफी तीखे अंदाज में ललन सिंह से सवाल पूछे हैं। राबड़ी देवी ने कहा है वे महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मैं ललन सिंह से पूछना चाहती हूं कि उनकी माँ और पत्नी कितनी पढ़ी लिखी हैं। ललन सिंह जो मुझे बोले हैं कि मैं बजट नहीं समझती हूं, ये महिला का अपमान नहीं है तो और क्या है। मैं ललन सिंह से पूछना चाहती हूं कि क्या अपनी पत्नी और माता को कितना पढ़ाए लिखाए हैं, मुझे उन लोगों का सर्टिफिकेट तो दिखाएं। महिलाओं के अपमान के लिए ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। देखा जाए तो बिहार की राजनीति में ललन सिंह के एक बयान ने हंगामा मचा दिया है। अब इस मसले पर विपक्ष उनके पीछे पड़ गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई ललन सिंह अपने बयान की माफी मांगेंगे या फिर अपने बयान को जायज ठहराएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।